साल 2022 में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा। इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में की। पीएम मोदी ने भारत को इसकी मेजबानी मिलने के बाद इसके लिए इटली का शुक्रिया अदा भी किया। साथ ही पीएम मोदी ने G20 समूह के नेताओं को 2022 में भारत आने का न्योता भी दिया। गौरतलब है कि 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। पीएम मोदी ने घोषणा के बाद ट्वीट किया कि साल 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और उस विशेष वर्ष में भारत G20 शिखर सम्मेलन में विश्व का स्वागत करने की आशा करता है। विश्व की सबसे तेजी से उभरती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में आइए, भारत के समृद्ध इतिहास और विविधता को जानिए और भारत के गर्मजोशी भरे अतिथि का अनुभव लीजिए। गौरतलब है कि G20 की समिट इटली में होने वाली थी, लेकिन पीएम मोदी के कहने पर G20 की बैठक 2022 में भारत में कराने का फैसला किया गया है। आपको बता दें, आर्थिक और कूटनीतिक मामलों के लिए G20 काफी अहम संस्था है। ये विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका, जापान सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। अमेरिका और जापान से बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक नया नारा दिया। पीएम मोदी ने JAI जापान अमेरिका इंडिया का नारा दिया। उनके मुताबिक जय का मतलब सफलता। पीएम मोदी ने इस त्रिपक्षीय बैठक को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित तो बताया ही और साथ ही कहा कि अगर तीनों देश मिलकर आगे बढ़े तो जय सुनिश्चित है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने शनिवार को यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लॉड जंकर और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी तरह के आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त प्रयास समेत भारत यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा भी की। भारत और यूरोपीय यूनियन ने नवंबर में ब्रसल्स में हुए भारत EU वार्षिक आतंकवाद रोधी और राजनीतिक संवाद के दौरान आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरपंथ से प्रभावी तौर पर निपटने में सहयोग बढ़ाने का आह्वान भी किया। G20 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने रिश्ते मजबूत करने पे चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।